थोड़ा सा स्कैम करते हैं, मतलब इसको रीइशू करने के बाद हम बाहर बाहर लेने की ट्राई करते हैं। कुछ नहीं। वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू अनदर व्लॉग। तो हो चुका हूँ जी मैं रेडी, यूनिफॉर्म भी मैंने पहनी है एंड लेट भी हो चुका है, तो फिलहाल अभी निकलते हैं। तो यहाँ पे ना मैं रुक गया क्योंकि जो मेरा आइडेंटिटी कार्ड है कॉलेज का, ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है मुझे। अभी मैं इसको टी शर्ट के अंदर लगाता हूँ। वेजी फॉलिंग नटीपुरा पे हमने की, अभी निकलते हैं कॉलेज की तरफ। ऊपर से वे भाई जोर जोर से अपने फ्रेंड से बात कराए कहाँ पे हो। ये देखो भाई कैसे भगा रहा है, कहाँ से लेके हम राइट। अभी आप उठाओ फ्लेवर का लुत्फ, यहाँ का व्यू ही कुछ अलग है इस पे। देखो भाई क्या कर रहा है। अपना कॉलेज छोड़ा जी हमने इसको वहां पे, अब हम चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। अगर नजर हटी दुर्घटना घटी, अगर मुझे नजर नहीं आती ब्रेक नहीं दबे तो बाइक को मैं ठोक जाता फिर पंगा हो जाता। तो राइड करना आसान नहीं है, ऊपर से राइड के साथ साथ मोटो व्लॉगिंग तो टफ है यार। यहाँ से हम मतलब उधर जाते, अगर हम उस भाई से उसको उधर नहीं छोड़ना पड़ता, तो यहाँ से हम लेंगे पूरा लेफ्ट। ये रहा जी हमारा कॉलेज, ये बोर्ड भी यहाँ पे होगा। ये जी मेन गेट हमारा कॉलेज का, ये देखो। तो से नो ड्रग्स यस टू लाइफ। यहाँ से लेफ्ट में हमारी पार्किंग, यही कहीं पे पार्क करते हैं, तो इस वाले में करेंगे। हाँ है जगह, यहाँ पे करते हैं अपनी बाइक को पार्क। हो गई जी, थोड़ा पीछे लेते हैं एंड हैंडल लॉक करते हैं इसको। हो गया जी, तो फिलहाल मैं निकाल रहा हूँ हेलमेट से फ़ोन, फिर देखते हैं आगे। यहाँ पे है एक पार्क जहाँ पे हम बैठते हैं। फिलहाल मैं अपना काम करता हूँ, आपको मैं सब कुछ दिखाता हूँ। यहाँ पे है जी फिज़िकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, मतलब खेलने कूदने के मतलब जो भी आइटम्स हैं वो यहाँ पे मिलते हैं, बेट मतलब जितने भी गेम्स हैं ये देखो यहाँ पे। और वो रहा हमारे कॉलेज का ग्राउंड। फिलहाल मैंने एंड से स्टार्ट किया और उधर से काफ़ी सारी बिल्डिंग है, अगर आपको दिख रही होगी। मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये हिस्ट्री डिपार्टमेंट है उधर से, और बहुत सारी भी है। और यहाँ पर कुछ नई बिल्डिंग्स बन रही है और आगे भी आपको मैं दिखाऊंगा अभी। तो ये रही थी यहाँ पे पार्क, स्टूडेंट्स पार्क, यहाँ पे सब बैठते हैं गर्ल्स बॉयज़। और यहाँ पे जो मतलब ये रूम नंबर है 12-11, वहाँ से स्टार्ट होता है, वहाँ से रूम नंबर 1 से यहाँ पे क्लासेस होती है। और देख सकते हो यहाँ पे सारे बैठते हैं। तो यहाँ से केमिस्ट्री डिपार्टमेंट मतलब साइंस का जो है वो यहाँ से होता है, और EVS का भी मतलब उसी में आता है, उर्दू का भी यहाँ से है। एंड ये यहाँ पे रिसेंटली नई बिल्डिंग बनी है, इसके नीचे पार्किंग होती है। और इसके लेफ्ट में मतलब जब मैं यहाँ से लेफ्ट लूँगा वहाँ पे आती है और एक बिल्डिंग वो जो स्कॉलरशिप की होती है। सो और उसके आगे है कैंटीन भी, उसका हालत उतना ठीक नहीं है लेकिन है अच्छा खासा खाने लायक है। यहाँ से ये मतलब साइंस की बिल्डिंग है, और यहाँ से देखे तो यहाँ पे नई बिल्डिंग बनी है, पता नहीं इसमें क्या है लेकिन नई बनी है रिसेंटली।
और ये सारा साइनस का है, उसके आगे हॉस्टल्स है। तो इसके लेफ्ट में जो बता रहा था स्कॉलरशिप का ब्राउजिंग सेंटर, वो यहाँ पे है। जो भी स्कॉलरशिप का मतलब मसला होगा भरना होगा जो भी, वो यहाँ पे। और ये है ये हमारा कैंटीन, ये देखो। तो अभी मैंने फर्स्ट क्लास दी, अभी अपने दोस्त के साथ मुझे जाना है लाइब्रेरी, इसको करनी है अपनी बुक रीइशू। तो अभी मैं फिलहाल इसी के साथ चलता हूँ, फिर देखेंगे इसके बाद। ये है यहाँ पे सेंट्रल लाइब्रेरी बिमला डिग्री कॉलेज की। कर जल्दी रीइशू यहाँ पे है कोई के लिए मुझे नहीं लगता। करो जल्दी ये भी रीइशू का प्रोसेस चल रहा है। यहाँ से फर्स्ट जो बुक रीइशू करनी है उसको यहाँ पे रखना है, उसके बाद अपनी आईडी कार्ड को इससे प्रेस करना है। हो गई। अभी हमने रीइशू तो किया, अभी ना हम थोड़ा सा स्कैम करते हैं, मतलब इसको रीइशू करने के बाद हम बाहर लेने की ट्राई करते हैं। कुछ नहीं नो मैम, एक फिर से कर रहे हैं मैम, हो गई रीइशू तो हो गई बुक, एंड अब फिर से ट्राई करता हूँ मैं। ये देखो आप बाहर नहीं ले सकते क्योंकि ये रीइशू हो गई है, अब रखेंगे वापस, अब हम बाहर जा सकते हैं अच्छे से। देखो मैम भी हंस रही है। ये है जी कुछ बैकग्राउंड व्यू मतलब कॉलेज का यहाँ से, एंड यहाँ पे वो वाली पार्क है जहाँ पे हम सुबह बैठे थे। और यहाँ पे है एडमिशन ब्लॉक, ये देखो इस तरह का कुछ व्यू है अंदर से हमारे कॉलेज का। कॉलेज तो बड़ा है लेकिन अब मैं ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर सकता, जितना मैं दिखा सकता था उतना मैंने दिखाया सारा। अभी टाइम भी हो गया लगभग 2 बज गए, तो अभी मैं निकलता हूँ यहाँ से और अभी चलते बाइक की तरफ। आगे जी हम पार्किंग पे जहाँ पे हमने बाइक पार्क की थी यहाँ पे, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। अभी सारे निकल रहे क्योंकि टाइम हो गया, अभी हम भी निकलते हैं। पा क्या मामा चाहे क्या लोग कैसा। अबे भाई बाइक इतनी गर्म है कुछ पूछो ही मत। जी एग्जिट पॉइंट, और इसके सामने बिल्कुल मेकअप है, मेकओवर निर्मा बुलाया। या पर कैसा भी या पर हाँ या पर ना जाम डिसाइड ही नहीं कर पा रहा हूँ मैं कि यहाँ से जाऊँ या यहाँ से। यही से जाता हूँ मैं भाई को करते हैं भाई, यहाँ से मैं निकलता हूँ राइट। आज देंगे हम पूरा बाईपास का लुत्फ उठाएंगे, टॉप स्पीड देखेंगे कितनी हो जाएगी। फिलहाल मैं निकलता हूँ भाई, नहीं आ रहा भाई ऐसे। अभी मुझे धूप भी काफ़ी ज़्यादा लग चुकी है, एंड शायद 3 बज चुके होंगे, मैं देखता हूँ बाइक पे भी टाइम है नहीं अभी, सॉरी 2:12 हुए हैं। यहाँ पे भी एक फ्लेवर बन रहा है, आगे हम बाईपास पे। पेट्रोल तो मैंने डाला, पेट्रोल डालने की ज़रूरत नहीं है अभी, तो हम बस अब घर की तरफ चलेंगे। और उम्मीद है आपको ये वाला जो ब्लॉग है पसंद आया होगा, एंड इंशाल्लाह मैं इसी तरह अच्छे ब्लॉग बनाता रहूँगा आगे भी। एंड जो भाई भी चैनल पर पहली बार आया प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, मुझे सपोर्ट करो।
एंड मुझे बताना कमेंट्स में ज़रूरी कि ये आपको जो मतलब ये जो मैंने ब्लॉग बनाया आपको कैसा लगा। ये भी हमारी कॉलेज में पढ़ते हुए यूनिफॉर्म नहीं लगाया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा, तो इंशाल्लाह मिलते हैं इसी तरह और एक नए अच्छे ब्लॉग में। एंड तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। तो पहुंच गया जी मैं घर, एंड काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, फाइनली पहुंच गया मैं घर। आई होप आपको ये व्लॉग पूरा पसंद आया होगा, एंड उम्मीद मैं करता हूं कि आपको ये व्लॉग बहुत ही अच्छा मतलब पसंद आया होगा। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो इसी तरह मैं ताकि और नए वीडियोज़ बनाऊँ।